हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है 19 अगस्त, यानी कि आज है रक्षाबंधन। तो आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और हमारी दिया भी जाग कर आ गई हैं। और ये देखिए, भगवान जी को जल चढ़ा रही थी अपनी दादी के साथ में, और यहाँ पर मम्मी ने जल अर्पित भी कर दिया है, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार भी है। तो आप सभी को सावन के आखिरी सोमवार की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर मम्मी ने सारे भगवान जी, लक्ष्मी नारायण और लड्डू गोपाल जी, सारे भगवान जी नहला धुला कर तैयार करके बिठा दिए। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे भगवान जी। और हम यहाँ पर किचन में, यहाँ पर बन रही थी सेवैयाँ, तो बस उसको चला रहे थे। ये मम्मी ने बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ पर सेवई से ही पूजा की जाती है। और यहाँ पर हमने आलू उबाल लिए हैं, क्योंकि आज व्रत भी है तो आलू का कुछ बना लेंगे, तो इसीलिए आलू उबाल लिए हैं। और यहाँ पर सोयाबीन गलने के लिए रखी है, तो थोड़ा गर्म पानी करके रखो तो जल्दी गल जाती हैं, तो इसीलिए बस रख दी हैं। क्योंकि आज हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्ज़ी, क्योंकि हमारे पतिदेव को चाहिए होता है प्रोटीन और उनको सोयाबीन बहुत पसंद है, तो इसीलिए सोयाबीन की सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सोयाबीन गलने के लिए रख दिए हैं, और यहाँ पर हम कर ले रहे हैं सब्ज़ी की तैयारी। टमाटर वगैरह पीस ले रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए मम्मी, ये जो गेरू से बना रही है ना, इसी की हमारे यहाँ पर पूजा होती है, और इनको बोलते हैं सोना। बस यही मतलब बनाएंगी मम्मी गेरू से। और ये ना ऐसे किचन के दरवाजे के दोनों साइड में बनता है, या मतलब किसी भी दरवाजे के दोनों साइड में बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कहीं जगह नहीं थी, तो इसीलिए मम्मी ने ये जो किचन के दरवाजे के पास में मतलब पत्थर लगा हुआ है, इस पत्थर पर बना रही हैं। तो यहाँ पर दिया भी बैठ गई हैं अपनी दादी के साथ। ये देखिए कैसे मतलब कर रही हैं, उनको बातें कर रही हैं, उनसे पूछ रही हैं कि दादी आप क्या बना रही हो, क्या कर रही हो। दिया भी करेगी ऐसे बातें कर रही हैं, और मतलब यहाँ पर कितने ध्यान से देख रही हैं। ये देखिए कैसे खुश हो रही हैं, उनको कुछ नया काम करो तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और मतलब अगर कुछ नया काम करते हैं ना, तो फिर आपको छोड़ती नहीं है, वह पास में बैठ जाएंगी और फिर वहाँ बैठकर अपना देखेंगी बड़े आराम से, काम बिगाड़ती भी नहीं है। और ये देखिए, ये दो बनते हैं, एक मम्मी ने जो पहले बनाया था और एक ये मम्मी अभी बना रही हैं। ये दोनों साइड में बनते हैं, लेकिन जगह नहीं थी तो इसीलिए पत्थर के दोनों साइड में बना दिए हैं मम्मी ने, और यहीं पर पूजा कर देंगी। और यहाँ हम किचन में बना रहे थे सब्ज़ी, क्योंकि आज मतलब रक्षाबंधन भी है, तो थोड़ा जल्दी भी बनाना है। हम सोच रहे थे बनाकर रख देते हैं, फिर तैयार होंगे, क्योंकि हमको भी तैयार होना है। और आज साड़ी वाड़ी पहनने का मन था, तो इसीलिए जल्दी जल्दी काम करके हमने सोचा चलो साड़ी पहनेंगे, तैयार होंगे अच्छे से, तो बना देते हैं जल्दी से सब्ज़ी वगैरह। और यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही हैं। ये सोना मतलब जो राखी होती है ना, राखी तो थोड़ी भारी हैवी हो जाती है, तो इसीलिए वो चिपक नहीं पाती है, तो इनके लिए ना ये धागे आते हैं बहुत हल्के से, तो इनको सेवई से पूजा की जाती है। तो बस मम्मी वही कर रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ
यहाँ पर मम्मी ने पूजा भी कर दी है और इसके बाद में मतलब ही हमारे यहाँ पर राखी बंधी जाती है। तब तक मतलब जब तक ये पूजा नहीं होती तब तक हमारे यहाँ पर राखी नहीं बांध सकते। तो ये सबसे पहले पूजा की जाती है सेवई से, फिर उसके बाद में राखी बांधते हैं। और यहाँ पर हमने सब्जी छौंक दी है, तो बस थोड़े से बेसिक से मसाले डालेंगे और इनको थोड़ा सा भूनेंगे। इनको ज़्यादा तेज़ मसाले की सब्ज़ी वगैरह नहीं पसंद है, तो इसीलिए थोड़े हल्के ही मसाले रहते हैं हमारे घर पे। और यहाँ पर हम बस ये सब करके थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी और थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सोयाबीन डाल देंगे, तो बस रेडी हो जाएगी हमारी सब्ज़ी। थोड़ी देर 10 मिनट ढकनी है और बस टेस्टी टेस्टी सोयाबीन की सब्ज़ी रेडी है। वैसे हम सोयाबीन नहीं खाते हैं, लेकिन ये वाली सोयाबीन की सब्ज़ी हमको भी पसंद है, हम खा लेते हैं। और जो नॉर्मल सोयाबीन की सब्ज़ी बनती है वो हमको नहीं पसंद है, वो नहीं खाते हैं। और अभी हो रहा है टाइम 1:15, तो अभी मैं बस नहा धोकर रेडी हुई हूँ। और आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज रक्षाबंधन मतलब राखी बांधने का टाइम 1:30 बजे के करीब है, तो इसीलिए मैं अभी नहा धोकर रेडी हुई हूँ। मैंने पहनी है ये साड़ी, और वैसे भी मैं साड़ी वाड़ी डेली में पहनती नहीं हूँ, तो इसीलिए मतलब मेरा मन था कि मैं साड़ी पहन लूँ। और वैसे भी मायके वगैरह तो जा नहीं रहे, तो घर पे ही तैयार हो जाओ अपना। और अभी मैं बस शिव जी की पूजा करने जा रही हूँ, क्योंकि आज मंडे भी है ना, आज है सावन का आखिरी सोमवार, तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं बस पूजा करने जा रही हूँ, और उसके बाद में टाइम हो जाएगा, मतलब जब तक पूजा वगैरह करेंगे जब तक टाइम हो जाएगा राखी का, तो राखी बंधवाएंगे दीदी से। तो दोस्तों यहाँ पर हम अभी आ गए हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है, आज से सावन समाप्त हो जाएगा हमारे यहाँ पर। तो बस यहाँ पर शिव जी की पूजा करने आए थे, और मतलब आज ना हम थोड़ा सा लेट हो गए पूजा करने के लिए। वैसे तो हम जल्दी ही कर लेते हैं, जल्दी नहा धो लेते हैं, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गए थे। और यहाँ पर हम कर ले रहे हैं पूजा, और उसके बाद में राखी बांधने का समय हो जाएगा, तो बस उसके बाद में बांधेंगे राखी। और हम अपने मायके नहीं जा पाए हैं, हम जाने वाले थे, हमारी टिकट भी हो गई थी, लेकिन फिर हम नहीं जा पाए हैं, बस हमारी किस्मत में नहीं था जाना, तो इसीलिए। चलो और यहाँ पर ये देखिए, हम अपना हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और यहाँ पर दिया आ गई, दिया हमसे छेड़खानी करने लगी, फिर उनको उनकी बुआ लेकर गई हैं, तब हम यहाँ पर शांति से पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं दिया को तैयार, क्योंकि अभी समय हो गया है राखी बंधवाने का। तो हमने ना पहले इसको नहला धुला तो दिया था, लेकिन इसको कपड़े नहीं पहनाए थे, क्योंकि ये ना गंदे कर लेती हैं, तो इसीलिए हम इनको अब तैयार कर रहे हैं, अब इनको नए कपड़े पहना रहे हैं। इनकी बुआ लेकर आई थी ये कपड़े, और ये देखिए बाल कटवाने में कैसे नौटंकी कर रही हैं। इनके खेल बंद नहीं होते हैं, ये खेलती रहती हैं, तभी करना है, शांति से बैठ नहीं सकती हैं। हम इनको बहुत बोल रहे थे शांति से बैठ जाओ, लेकिन नहीं। और ये देखिए क्लिप लगा ली है, और अभी थोड़ी देर के लिए ही लगाएंगी, फिर निकाल देंगी। और ये देखिए हम दीदी की चोटी कर रहे थे, तो दीदी के हाथ में वीडियो बनाने के लिए मतलब फ़ोन दिया हुआ था, दीदी वीडियो बना रही थी, तो दिया देखिए कैसे परेशान कर रही है, बोल रही थी हम फ़ोन को खा रहे हैं। बोलो हेलो गाइस, माय नेम इज दिया। मैं सब्जी बेचने जा रही हूँ।
रही है हमारी दिया गाइस। लाओ दोस्तों, यहाँ पर हमारी राखी की थाली भी रेडी है। और ये देखिए, ये है यहाँ पर होममेड घेवर, ये घर पे ही बनाया है। और इसके बाद में यहाँ पर हमारी बिटिया रानी बांध रही थी लड्डू गोपाल जी की राखी, क्योंकि हमने लड्डू गोपाल जी को ही अपनी बिटिया रानी का भाई बनाया है। तो बस वो राखी बांध रही थी। और ये पिछली राखी पर तो छोटी थी, लेकिन इस राखी पर थोड़ा सा ठीक थी, मतलब बांध ले रही थी। इनकी बुआ बंधवा रही थी, साथ में हेल्प कर रही थी, हाथ लगवा दिया था बस। और ये देखिए यहाँ पर कैसे टीका लगा रही हैं। और ये वैसे भी लड्डू गोपाल जी को भैया ही बोलती हैं, तो मतलब हमने ना इनसे ही फिर राखी बंधवाई। और ये देखिए यहाँ पर अभी हमारी बिटिया रानी खिला रही हैं अपने भाइयों को घेवर। तो यहाँ पर हमारी बिटिया रानी ने तो बांध दी है राखी, और अभी बैठ गई हैं हम अपनी बुआ जी से राखी बंधवाने के लिए। और यहाँ पर दीदी बांध रही थी इनके राखी। तो बस यहाँ पर दिया देखो कैसे शैतानी कर रही हैं, और वो बोल रही थी कि बुआ हमारे भी बांधो। तो ये देखिए यहाँ पर दीदी ना दो दो राखी लेकर आई हैं, क्योंकि एक एक राखी थोड़ी फैंसी टाइप की है और दूसरी राखी थोड़ी सिंपल है, जो कि साल भर हम बांधे रहेंगे। तो इसीलिए इनके भी दो ही राखी बांधी हैं, एक हमारी राखी से मैचिंग राखी और दूसरी जो है ये साल भर बांध कर रहेंगे वो राखी। तो बस यहाँ पर इनकी राखी बन गई है। यहाँ पर अपने भाई के तो राखी बांध दी है दीदी ने, और आ गई हैं हमारे राखी बांधने के लिए। और ये देखिए दिया भी देख रही थी, और दिया को ना अपनी राखी देख रही थी, मतलब उनके लिए ना थोड़ी ऐसे घड़ी वाली शेप में लेकर आई थी राखी जिसमें लाइट जलती थी। तो उनकी नज़र अपनी राखी पर थी और वो बोल रही थी बुआ हमारे भी राखी बांधो। तो पहले हमारे जब मतलब राखी बांध रही थी ना, तो वो बांधने नहीं दे रही थी, ये देखिए अपने हाथ कर दे रही हैं। और यहाँ पर हमारे भी दो दो ही राखी बांधी हैं दीदी ने। और ये देखो अपनी बुआ से कैसे कर रही हैं, और बोल रही थी हम राखी खा रहे हैं, कुछ भी करती हैं, ये जो राखी है मतलब उसको उठा उठा के और उसको खा रही थी। और ये देखिए यहाँ पर दीदी को इन्होंने घेवर खिलाया, क्योंकि जब दीदी ने इनको घेवर खिलाया था तो ये लौट कर खिलाना भूल गए थे। तो अभी इनको याद आया जब दीदी हमारे बांध रही थी, तो कि मैंने तो घेवर खिलाया ही नहीं तो ये ले, तो इसीलिए इनको दोबारा घेवर खिलाया दीदी। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है, और अभी राखी वगैरह बंधवा के हो गए फ्री। ये देखो मेरी राखी, दीदी हमेशा ऐसी राखी लेके आती है मेरे लिए। और अभी मैंने सबसे पहले ना राखी बंधवाने के बाद में सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज किए, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी ना, बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। और वैसे तो बारिश पड़ती रहती है, लेकिन आज बारिश नहीं थी, आज बादल भी नहीं हो रखे थे, आज बहुत तेज़ धूप निकल रही थी। तो बस मैंने साड़ी उतार के ये फ्रॉक पहन लिया है और आ गई हूँ कमरे में। बहुत तेज गर्मी लगती है, अभी चेंज किया है और मेरा टीका वगैरह सब छूट गया कपड़े पहनने में। टमाटर टमाटर टमाटर
अभी मैंने इसके भी कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि इसको भाई गर्मी लग रही है। लाइट चाहिए? अच्छा दिया की राखी दिखाते हैं हम, लाइट वाली राखी है दिया की, दिखा तो दो एक बार, दिखा दो ऐसे, दिखा दो ऐसे, देखो लाइट वाली राखी बोल दो। अपनी राखी देख के बहुत खुश है, देखो दिया टेढ़ी चोटी करके ज्यादा बन रही हो। अब नहीं करेगी बात, अभी बोल रही थी कि मेरे को सोना है मम्मी मेरे को निप्पल दे दो, ये शहद वाली निप्पल पीते, मतलब ड्रामे है इसके, सोने के का बहाना है सिर्फ निप्पल चाहिए इसलिए, और जब निप्पल दी तो सोई नहीं तो फिर मैंने छीन ली। अभी मैं दो रवाने की बेटा मानते हैं। तो हमारी बिटिया रानी के दादू भी अभी घर पे आ गए हैं, और ये देखिए हमारी बिटिया रानी अपने दादू के राखी बांध रही हैं, बांधनी तो आ नहीं रही लेकिन अपनी बुआ को देख देख के अपना कर रही हैं। और ये देखिए राखी बांधी है तो टीका लगाना कैसे भूल सकती हैं, आखिर अपनी बुआ को देख देख के काम कर रही हैं। तो यहाँ पर दीदी ने टीका ठीक किया है, जो दिया ने लगाया था ना भीज माथे पे लगा दिया था तो बस उसी को दीदी ने ठीक किया है। और ये देखिए घेवर कैसे लेकर आई है अपने दादू को खिलाने के लिए, बोल रही थी लो दादू मिठाई खा लो। और उसके बाद में अभी हो गया है शाम का टाइम और आज फास्ट था तो इसीलिए यहाँ पर हमने बनाया है ये आलू के पराठे, घेवर, दही और अचार। तो आ जाइए दोस्तों आप क्या बोल रही है, बोलो बताओ जल्दी क्या बोल रही हो। तो दोस्तों अभी हो गया है रात का टाइम और हमारी बिटिया रानी यहाँ कुछ तो बोल रही थी, तो बोलते बोलते ना बड़ी क्यूट लग रही थी तो इसीलिए हमने वीडियो ऑन कर ली थी लेकिन फिर इन्होंने नहीं बोला। तो हम कर रहे हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, ये तो अपनी क्यूट क्यूट हरकतें करती ही रहेंगी। और हमारे रक्षाबंधन का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइज़।